छपरी जो घूमते हैं ना सड़कों पे, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट। सो व्हाट्स अप माय ब्यूटी फैमिली, आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई मोटो व्लॉगिंग जो राइड है हमारी संडे की, उसके बाद मैं भाजी का जो कवल जी हैं उनका ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँगा। तो जो SD 334 CC है उसका ओनरशिप रिव्यू कैसा है, कैसा नहीं है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, हम सारी बातें कवर अप करेंगे जितना हम कर सकते हैं, ताकि जो जो बाइक प्लान कर रहे हैं SD लेने का उनको हेल्प मिलेगी बाय करने में, और इसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए वो अपने जो हार्ड अर्न मनी है दे कैन स्पेंड ऑन दिस बाइक। ओके, तो सबसे पहले तो भाजी व्यूअर्स उनको आप हेलो बोल दो एक बार। हाय एवरीवन। ओके, तो भाजी सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो SD है आपको कितना टाइम हो गया इसको ओन करे? एक्चुअली मैंने ये बाइक ली थी 11th of November को। ओके, तो मैं प्लान कर रहा था, मुझे स्पोर्ट्स में नहीं चाहिए थे, मुझे टूरिंग के लिए चाहिए थे एक्चुअली। ओके, तो बेसिकली मुझे कंफर्ट लेवल देखना था ताकि लॉन्ग राइड्स के लिए मुझे कंफर्टेबल भी हो, पावर भी मिले और टूरिंग का भी थोड़ा फन हो जाए। तो मेन जो आपका फोकस, ये बोलूं कि आप क्रूजर बाइक देख रहे थे राइट, जो पावरफुल भी हो, जो आपके कंफर्ट को भी मैच कर सके राइट? यस। तो क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी तो आपको पता है भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, मेरी जो है वो भी अग्रेसिव पोजीशन में है, तो ये बहुत ही रिलैक्स्ड है। इतना टाइम, कितने मंथ्स हो गए आपको? मैंने नवम्बर में ली थी और 2-3 months हो चुके हैं मुझे। अच्छा, तो 2-3 महीने हो गए हैं इनको। तो इन 3 महीनों के अंदर आपने कितनी इसको किलोमीटर्स को रन किया? मैंने एक्चुअली मैं वेट कर रहा था इसके नंबर प्लेट की, इसलिए थोड़ी कम चली है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1500 किलोमीटर चली है। ओके, बट मेरे हिसाब से अगर आप कोई न्यू बाइक भी लेते हैं तो 1500 किलोमीटर में आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो समझ में काफी हद तक आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आपने कितने की ली थी, आपका ऑन रोड कितना पड़ा था? एक्चुअली मैंने ये ली थी 2,36,000 की ऑन रोड प्राइस। ओके, और स्पेशली अगर ये वाला कलर मैं लूँ तो। ओके, अभी इसके अंदर क्रोम भी आ चुका है। अच्छा, तो मुझे यही पसंद थी, तो 2,36 की ऑन रोड मुझे पड़ गई थी। तो गाइज ये दिल्ली का प्राइस है, बाकी अदर जो स्टेट्स हैं उनका वेरी कर सकता है प्राइस क्या क्या है, बट ये दिल्ली का प्राइस है 2,36,000। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले तो इसके कंफर्ट का। तो आपने बता ही दिया कि बहुत ज्यादा रिलैक्स है ना, तो मुझे ये बताइए आपकी जो आपने फर्स्ट सर्विस कराई इसकी, आफ्टर सेल सर्विस जो है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? यार मेरा SD के साथ ना एक्सपीरियंस बहुत ऑसम रहा है। okay. क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अमेजिंग है। okay. काफ़ी कोऑपरेटिव है वो स्टाफ, काफ़ी कोऑपरेटिव है। मैंने जब ली थी तो उन्होंने थोड़ा एक्सपेडाइट कर दिया था प्रोसेस कि नंबर प्लेट जल्दी आ जाए ताकि आई कैन यूज़ एज सून एज पॉसिबल। सर्विस की अगर बात करें तो मुझे फर्स्ट जो सर्विस कॉस्ट मुझे पड़ी थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये लगे थे, दैट्स इट। और जिसके अंदर इन्होंने प्रॉपर इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज करा था और प्रॉपर सर्विस करी थी इसके अंदर, वॉशिंग छोड़ के। वॉशिंग मैंने फ्री सर्विस में ऑलमोस्ट यही होता है कि जो आप जो प्रोडक्ट डालते हैं इंजन ऑयल एयर फिल्टर, इसका आपको यू शुड पे, बट जो लेबर चार्जेस हैं वो नहीं लगते नई बाइक में, है ना। इंजन की पावर है, पहले आप तो मुझे बताओ कितनी पावर इसकी आपको, आप सेटिस्फाइड हैं इसकी पावर से या आपको लगा है कि नहीं यार और पावर थोड़ी होनी चाहिए थी? नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से हर एक पावर वेरी करती है आपके ऊपर, पर्सन टू पर्सन। जी, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनफ है। ओके, क्योंकि टूरिंग के अंदर पावर भी चाहिए होती है, अगर मैं माउंटेन में भी जाता हूँ तो मुझे इनफ से ज्यादा पावर है इसके अंदर मेरे हिसाब से। मतलब अगर ये कह सकते हैं इसको कि कभी आपको अंडर पावर फील नहीं कराती है ना? नहीं, अंडर पावर फील कभी नहीं कराती है मेरे को। ओके, अभी तक नहीं कराया। ठीक है, ठीक है। तो गाइज आप इसकी लुक्स देख सकते हो यार, लुक्स बहुत इसकी शानदार है, और कहीं ना कहीं जब इन्होंने ली थी तो मैंने इनको बोला था ये एक तरह से हार्ले डेविडसन लगती है। हार्ले की तरह लगती है, हार्ले डेविडसन लगती है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे ना तो इसके ड्यूअल सिलेंडर है, ड्यूअल साइलेंसर है, और बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं जो बिग बाइक वाली फील है वो आपको कराती है। आपको भी लगता होगा हेड टर्नर, तो ये मुझे लगती है कि जब आप जाते होंगे तो लोग देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ, हेड टर्नर इसके साथ भी है, प्लस जब हम गियर से पूरे सेफ्टी गियर के साथ पूरे लोडेड होते हैं तो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी के साथ साथ आपकी जो कॉन्फिडेंस है प्लस रोड प्रेजेंस है वो भी हो जाता है। तो गाइज गियर जरूरी है डालना, राइडिंग गियर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बट ये मत सोचो कि यार पैसे लगेंगे ज्यादा, तो आपकी सेफ्टी जरूरी है। वो पैसे तो फिर आपके रिकवर हो जाएंगे बट आपकी जो लाइफ है वो रिकवर नहीं होगी। तो बेटर आप राइड करते हैं तो आप सेफ्टी के साथ चले, हेलमेट डाल के चले, ठीक है। अब मैं इसके टायर्स की बात करूंगा, मुझे टायर बताओ कंपनी ने कौन से कंपनी फिटेड टायर दिए हैं? कंपनी ने इसके अंदर जैपर दिए हैं, MRF जैपर। ओके, ग्रिप अच्छी है, अभी बारिश में टेस्ट करूंगा जब बारिश होगी, अभी तक तो फिलहाल मौका लगा नहीं है मुझे।
ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको मतलब बोलना चाहूंगा कि MRF अच्छे हैं, जैसे बोलते हैं एक बजट के हिसाब से बहुत बेस्ट है, बट अगर ये ग्रिपिनेस की बात करें कंपैरिजन टू पिरेली मिशलिन, वहाँ कहीं ये स्टैंड नहीं करते, बट हाँ ठीक है। मैं तो भाजी आपको सजेस्ट ये करूंगा रेनी सीजन पे ट्राई अब कम ही करना तो ज्यादा बेटर। अब थोड़ा सा इसका बजट बना के ना पिरेली पे ही मैं अपग्रेड करूंगा, क्योंकि जहाँ इतना पैसा खर्चा है तो मेन मैं फिर ग्रिप पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि गाइस अगर जैसे सिटीज है, अगर आप सिटी में चलाते हो तो MRF बेस्ट चॉइस है, बट अगर आप हाईवे पे जाते हो तो भाई ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्लिप कर जाते हैं, इनकी ग्रिप उस लेवल की नहीं है जो मिशलिन और पिरेली जो है, कॉस्टली आते हैं बट अच्छे खासे आपको कर देते हैं ग्रिप प्रोवाइड। तो पूछना चाहूंगा आपसे कि इस बाइक में कभी आपको हीटिंग इशू लगी है अब लॉन्ग रन में अगर आप लेके गए हो तो? मुझे ऐसा सच कोई हीटिंग इशू लगा नहीं है। सर्विस सेंटर ने मुझे बोला हुआ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ सर्विस स्टेशन पे ही बात करें। कि अब जो BS6 आ गई है ना गाइस, दे आर फुली कंप्यूटराइज्ड, तो उस वजह से भी क्या है ना, बाहर का जो मैकेनिक होता है ना वो जल्दी से हाथ डालता नहीं है और आपको जाना भी नहीं चाहिए, एक मजबूरी कह लो या जो मर्जी कह लो, क्योंकि वो सब अपने लैपटॉप पे टैबलेट पे लगा के स्कैन करते हैं, तो आपको नॉर्मल रोड साइड पे स्कैनर तो मिलने नहीं वाला, तो वो वैसे भी हाथ नहीं डालेंगे। तो इट्स बेटर कि आप सर्विस सेंटर जाएं, उनको आप बोले, और बट ऑब्वियस कोई कॉस्टली प्रोडक्ट होता है अगर कोई इशू आता है तो आपको जाना भी सर्विस सेंटर चाहिए, आपका राइट बनता है उनको जाके बोलना कंप्लेंट करने का। और एडिंग टू हिज पॉइंट, थोड़ा सा अपने ऊपर भी है कि आपको हर 500-700 किलोमीटर पे आपको चेन ल्यूब करना है, चेन क्लीन करना है। फ्यूल अगर आप डलवाएं तो N95 जो 95 का जो होता है जो है वो ही यूज करें, बिकॉज दूसरे वाले में प्रॉब्लम आ सकती है जहां इतने पैसे खर्चे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फ्यूल डलवाओ। और गाइस ये जो इशू है ना, मैंने आपको अपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखना। मैं पिछले साल ली थी मैंने मार्च में, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आई, उसका फ्यूल पंप खराब हो गया जस्ट 3 महीने के अंदर अंदर। क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी ने नॉर्मल पेट्रोल डाला, वो भी आधा लीटर, और कंपनी जो रिकमेंड करती है वो कम से कम आपका 1.5 से 2 लीटर रिजर्व में रहना चाहिए, और इतनी मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट को यार शोरूम से 1.5 लीटर का आधे लीटर का तेल डाल के सॉरी दे रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग चीज है ये। इस वजह से मेरा जो फ्यूल पंप है वो भी खराब हुआ, मैंने रिप्लेस कराया। और सबसे बात यह है कि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है ना वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, क्लियर इन द सेंस कि फिल्टर्ड नहीं होता। उस पेट्रोल में प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जो कचरा होता है ना उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके फ्यूल पंप को चोक कर देते हैं, क्योंकि ये कार्बोरेटर नहीं है, This is fuel injection bike. तो इस वजह से तो आप 95 octane का ही डलवाएं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा बट यार आपका 7-8 हज़ार का जो फटका होता है ना फ्यूल पंप का वो बचा देगा आपको। अब मैं बात करूंगा आपकी वाइफ है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपने जो पिलियन का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है उनका? पिलियन एक्चुअली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करके देखा है। ओके, फैमिली मेंबर्स को बिठाने से पहले तो मैंने अपने कजन को बोला कि चल तू ड्राइव कर और राइड कर और मैं पीछे पिलियन बैठता हूँ, पिलियन पे भी कंफर्टेबल है। आपको दिख रहा होगा जो बैक रेस्ट है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बैक एक स्ट्रेट रखता है और कंफर्ट लेवल इसका बढ़ जाता है, तो कुशनिंग भी इसकी अच्छी खासी दी गई भाई, बट ऑब्वियस है क्रूजर बनी कंफर्ट लेवल के लिए है, तो इन्होंने इसलिए ये क्रूजर चूज किया। अब हम स्पोर्ट्स बाइक वाले बंदे हैं तो हमारी वाट लग जाती है थोड़ी थोड़ी कमर की और बम की तो आप फील कर सकते हो यार आज इनके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी की है। इसकी ब्रेक्स की बात करें भाजी, आप मुझे ब्रेक्स बताओ, इनकी ब्रेक्स कैसी है? ब्रेक्स तो यार ऑसम है इसकी, अगर मैं 90 प्लस पे भी हूँ अगर मुझे सडन ब्रेक लेनी पड़ती है जी, तो मुझे कोई सेकंड थॉट नहीं आता, बिल्कुल सेफ चलती है और बिल्कुल सीधी रुकती है, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेक कर सकते हो, है ना? बिल्कुल भाई, सडन ब्रेकिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है क्योंकि इतना ट्रैफिक है दिल्ली जैसे शहर में ना, तो सडन ब्रेकिंग करनी एकदम से कोई आगे आ जाता है तो आप प्रिपेयर कभी कभी नहीं भी होते तो आप सडनली हार्स ब्रेकिंग कर देते हो, उसमें आपका काम आता है ड्यूअल चैनल ABS। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, इसके कॉन्स, इसमें क्या क्या आपको कमियां लगी आप मुझे ये बताओ। इसके अंदर इसका जो टॉर्क है थोड़ा और बढ़ा देते तो फिर थोड़ा और बेटर पावर हो जाती है। अब ये पता क्या है, ये आपने बात ऐसी करी है ना कि ये हर किसी के साथ होता है, अब आप 600 सीसी की लोगे ना, जब आप उसको अच्छे से निचोड़ लोगे उसके बाद आपको लगेगा यार अब ये पावर मैंने सारी यूटिल इसका हैबिचुअल हो गया हूं मैं इस पावर का, अब मुझे पावर बढ़ानी चाहिए, तो वो तो एक कॉमन चीज है। बाकी मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आप रेकमेंड कर सकते हो? मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर जिन्होंने क्रूजर लेनी है कम बजट में अच्छी कंफर्टेबल सेफेस्ट हार्ले डेविडसन की लुक में कह सकते हैं हार्ले में, बट अगर आपको कम बजट में पावरफुल मशीन चाहिए विद ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर्स अगर आप बात करें टूरिंग के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस।
आई वुड रेकमेंड। ओके, तो भाई ये मैं बाजी का रिव्यू था कवल जी का, इन्होंने सारे अपने रिव्यू दे दिए हैं कि क्या क्या चीजें उन्हें अच्छी लगी, ऑलमोस्ट उनको सब कुछ ही अच्छा लगा, कौन जिनमें कुछ है नहीं। पावर का इशू है वो तो भाई मन है ना, जो मन वो कभी सेटिस्फाइड होता नहीं, बंदा कहता है और पावर चाहिए और पावर चाहिए, हमारे बस में हम तो H2R ले लें निंजा। बट इसके साथ मैं एक और बात ऐड करूंगा कि अगर पावर हम ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी गियर्स भी साथ लेने चाहिए, क्योंकि मजा आपको पावर का यूटिलाइज करने का तब आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। वो तो गियर्स जो है एक लाइन है, मैं बोलना चाहूंगा सिंपल अपने वर्ड्स में कि जो जिसे बोलते हैं एक जो स्पीड है ना, एक थ्रिल है, वो एक बहुत पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आता है अपने। तो मैं असली राइडर जो होगा वो राइडर असली यही होगा जो भाई पूरे गियर, हाँ पूरी सेफ्टी के साथ चले, पूरे गियर्स वेयर करके चले, बहुत जिम्मेदारी के साथ चले, अपने से पहले सामने वाले का भी सोचे। ये छपरी जो घूमते हैं ना सड़कों पे, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट कोई ऐसे इनका कोई इनको आप राइडर नहीं बोलते, वो छपरी हैं, छपरी ही रहेंगे भाई। राइडर जो होता है एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है। तो भाई ये था सारा ESD का जो ओवरव्यू, और जितना हम डिटेल में जा सकते थे ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चले गए हैं। तो अगर एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनको कि अगर आपके पास बजट 236,000 या 2.5 लाख का अगर बोलें है तो भाई आप इसके साथ जा सकते हैं, अगर आप क्रूजर लवर हैं तो ये बहुत बेस्ट है, दी बेस्ट चॉइस होने वाली है। और ये आपने लाइव ऑनरशिप रिव्यू आपने देख लिया है, तो ऐसे ही मैं आऊँगा नए ब्लॉग के साथ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, ऐसे ही हम ग्रो करेंगे। एडिंग टू दिस पॉइंट कि जितना हो सके शेयर करो ताकि अच्छी चीज़ें स्प्रेड करने में सबका भला, ताकि मुझे भी भाई मोटिवेशन मिले कि मुझे और वीडियोज़ बनानी है। तो जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।